Start with the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum students, how are you? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 का मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, या इसका दूसरा नाम भी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वो किया हुआ था गैलीलियो ने क्या कहा था, उस वो एक जो है पीसा टावर जो है उसके ऊपर जो है उसने क्या कहा, दो मासेस उसने लिए थे, दो स्मॉल मासेस लिए थे उसने, एक ही जितने. तो उसने क्या किया, वहाँ से उसने उस टावर से उसने उन दोनों मासेस को वहाँ से फेंक दिया, तो वो ज़मीन पे एक ही टाइम पे आ गए. तो इसलिए गैलीलियो ने कहा कि ज़मीन जो है अपना एक फ़ोर्स लगा रही है और मासेस पे एक्सीलरेशन जो है वो उस वजह से, उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आ रही है जो ज़मीन पे आके गिरते हैं और एक ही टाइम पे आती है. और उस वैल्यू का इसने बताया था कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसने वैल्यू बताया था, जिसको हम प्रॉब्लम्स में सिंपलिसिटी के लिए स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं. तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आर मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इट एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन व्हिच इज नोन एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखें, हमें ये पता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, पेन को जब मैं अपने हाथ से छूऊंगा तो वो नीचे की तरफ जाएगी, यानी अर्थ की सेंटर की तरफ जाएगी, ठीक है ना, तो वो ऊपर नहीं जाएगी. अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने इस पेन को ऊपर फेंक दिया तो फिर भी वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि इस पेन के ऊपर ज़मीन अपना एक फ़ोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ ज़मीन जो है वो एक फ़ोर्स लगा रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है. दिस इज़ कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी. और उस फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी देखें इसको छोड़ेंगे तो बहुत ही तेज़ी से वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना. तो वो क्या होती, वो होगी हमारी एक्सीलरेशन, यानी ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस डेफिनेशन में क्या है कि कोई भी बॉडी जब टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की सेंटर की तरफ जब वो आती है, फॉल करती है, गिरती है, या मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, या अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ज़मीन से वो ऊपर जा रहा होता है, या ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, इट एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन, इसके ऊपर जो है वो एक्सीलरेशन होगी व्हिच इज नोन एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो एक्सीलरेशन क्यों लगती है, क्योंकि ज़मीन उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. ओके, अब दूसरा जो है स्टूडेंट्स, इसको डिनोट किया जाता है जी से. जी क्या है हमारी, स्मॉल जी, ग्रेविटी. और इसका वैल्यू जो है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पीछे जो है लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात की थी, जिसमें हमने इक्वेशन निकाली थी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At. उसके बाद दूसरी थी, तीसरी थी, इसी तरीके से हम इनकी इक्वेशन जो है वो हम बनाते हैं उसी इक्वेशन मोशन के हिसाब से, बस थोड़ा बहुत जब वो हम रिप्लेस कर देते हैं. फॉर अ मूविंग अंडर फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ अ मोशन कैन बी ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग ए बाय जी. ए को हम जी से जो है रिप्लेस कर देंगे, एस को एच से, यानी एस क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस होता है, और हाइट हमारी यहाँ पे आ जाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से. तो वी एफ इज इक्वल हो जाता है वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल हो जाता है वी आई प्लस सॉरी एच इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, 2 जी एच इज इक्वल हो जाता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जिस तरह से आप पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिखा था 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो ये है हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है वो पूरा हुआ. पर हम दूसरी चीज़ जो है वो हम इम्पॉर्टेंट बता देते हैं कि हम जी को पॉजिटिव भी लेते हैं और जी को नेगेटिव भी लेते हैं. तो जब भी बॉडी हम ऊपर फेंकेंगे तो उसके ऊपर, यानी देखें अब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज हो रही है, यानी वो वेलोसिटी वहाँ पे कम हो रही है. तो जब वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका फोर्स जो है वो नहीं लग रहा होता है, ठीक है ना. तो वो नेगेटिव में हम, यानी वेलोसिटी डिक्रीज है तो हम इसको नेगेटिव में. अब जब वो वहाँ से नीचे आ रहा होता है, यानी बहुत ही एक स्पीड से आ रहा होता है, बहुत एक्सीलरेशन से आ रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये जो जी है वेलोसिटी इंक्रीज करता करता आ रहा है, देन
ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो पूरा हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी। दैट्स ऑल।